कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु भोपाल पुलिस ने विशेष तैयारी की, जिसके तहत भोपाल में 200 से अधिक जगह पर बैरिकेडिंग की जाकर 3000 से अधिक कर्मचारी व अधिकारियों को फील्ड में तैनात किया जाएगा। थाना मोबाइल वाहन के साथ लगभग 100 वाहन रहेंगे। बिना मास्क और बेवजह घर से बाहर निकलने वालों पर आईपीसी 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन जो है, जैसे कलेक्टर साहब ने बताया, हम लोग जो है पूरी शक्ति के साथ उसको इम्पोज करेंगे, अनाउंसमेंट्स करेंगे, जनता का सहयोग आपके माध्यम से ही मांगेंगे, अनाउंसमेंट्स के माध्यम से भी करेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि जो एक्सेप्ट फॉर परीक्षार्थी या इन्विजिलेटर जो जा रहे हैं वहाँ पे, उनके अलावा कोई मेडिकल इमरजेंसी के साथ कोई व्यक्ति है, इसलिए हम लोगों ने अपने जितने भी जो भी चेकिंग पॉइंट्स उसको सेंसिटाइज किया है कि इन लोगों को जो है अकोमोडेट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, कोई आदमी अगर फालतू घूम रहा है तो हम उस पर दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। सर, कुछ पॉइंट भी पूरे पूरा जिले का जितना भी बल है पूरे सब लोग तैनात रहेंगे। ऑलमोस्ट अराउंड 2500 से 3000 लोग जो है तैनात रहेंगे अलग अलग लोकेशन पे। आउटर नाके भी लगाएंगे, इंटरनल नाके भी लगाएंगे, अनाउंसमेंट्स भी करेंगे, अपने गाड़ियां भी रिक्विजिशन करेंगे जो कि अनाउंसमेंट्स करेंगे, और इसके अतिरिक्त पीए सिस्टम्स भी कुछ जगह इंस्टॉल कराएं, ड्रोन्स का भी उपयोग करेंगे ताकि सफल लॉकडाउन हो और महामारी से राहत मिले। सर, इंटरनल नाकों में कितने पॉइंट चिन्हित किए गए जहाँ पर बैरिकेटिंग करके उन पॉइंटों को अलग किया जाएगा? तो इंटरनल नाके हैं करीब हमारे 17 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर कि हम उनको चिन्हित करेंगे। इसके अलावा भी जो है कुछ थाना स्तर पे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनको भी लगाएंगे, बैरिकेडिंग भी करेंगे ताकि जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे हम अगर आवागमन होता है तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करके अच्छी तरह से चेकिंग कर सकें। भोपाल से कमलेश मीना की रिपोर्ट।